बरेली में लगातार हो रही बेमौसम की बारिश में धान की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। जब किसानों ने उनका दर्द चुना गया तो दिल पसीज गया। किसानों ने बताया कि उनकी फसल कटने ही वाली थी कि ईश्वर ने उन पर वज्रपात कर दिया और उनकी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। खेत में 1.5 फीट से 2 फीट गहराई तक पानी भरा हुआ है और ऐसी स्थिति में फसल का बचाना बहुत मुश्किल है। मालूम हो कि शायद शरद पूर्णिमा के अवसर पर धान की फसल काटी जाती है। किसान खुशी खुशी अपने घर लाता है, बाजार में बेचकर उसका दाम वसूलता है और अपना खर्चा चलाता है। लेकिन बेमौसम की बारिश ने किसान की कमर तोड़ दी है। खेत में काम कर रहे हैं डॉक्टर ताहिर ने बताया कि उनकी 10 बीघा में धान की खेती थी और सब बर्बाद हो गई है। मेरा नाम सुंदरलाल है और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। क्या बताएं, ये आप जो देख रहे हैं, ये धान की फसल तैयार हो चुकी है और अब जा भी रही है, मगर वो मैं जानता हूँ कैसे मैंने इसे तैयार किया है। सूखे के अकाल में पौध डालना, धान के पौध खराब होने के बाद उसे फिर दोबारा डालना और फिर 95-96 रुपये लीटर का डीजल इंजन में झोंकना, उसे घंटे में 2 लीटर डीजल चाहिए। आप जान सकते हैं मजदूर आदमी क्या करेगा। और हमारे पास खेती बस यही है, 1-2 बीघे, वो भी हमारी तैयार नहीं हो पा रही है। ना तो कोई सरकारी ट्यूबवेल है जिससे यहाँ पर पानी मिल सके किसान के लिए। किसान का तो जन्म होना ही बेकार है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।